ओके सो हाय, दिस इज सहबाज एंड आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द झारखंड. ओके सो आप जानते हैं कि झारखंड भारत का 2014 में जब 2000 में जब ये अलग हुआ तो ये 28वां राज्य बना था. तो इसका जो ये आई मीन जो फॉर्मेशन डेट है वो है 14 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था. ओके सो इसका फॉर्मेशन हुआ था और हम लोग ये तीन टॉपिक पे बात करेंगे, अबाउट द झारखंड, हिस्ट्री ऑफ झारखंड एंड द सोसाइटी ऑफ झारखंड. ओके सो फर्स्ट इज दैट कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 नवंबर 2000 को हुई थी और इसके जो पहले सीएम थे वो बाबूलाल मरांडी थे. ठीक है, पहले सीएम जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे और यहाँ पर जो राज्यसभा की जो सीट है वो है 6 और लोकसभा की है 14 सीटें. ठीक है, लोकसभा की यहाँ पे 14 सीटें है और वर्तमान में अभी JMM, ठीक है, जो सीएम है अभी वर्तमान के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन है, सिब्बू सोरेन के बेटे. ओके सो या सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द झारखंड. ओके सो हम लोग जानेंगे सबसे पहले मुंडा के बारे में. ठीक है, मुंडा जनजाति, सबसे पहले एक बात ये जान लें कि मुंडा जो थे ये झारखंड के मूल निवासी नहीं थे. ठीक है ना, मुंडा जो थे वो झारखंड के मूल निवासी नहीं थे, ये ये ऊपर का एरिया है जिसे हम लोग नॉर्थ साइड है. ठीक है, तो नॉर्थ में एक कश्मीर है, उसके बाद लद्दाख और तिब्बत, तिब्बत शायद यहाँ पर आता है तो अब मैं मैप से इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा. तो तिब्बतीय क्षेत्र में ये लोग यहाँ पर रहते थे. ठीक है ना, और जब आर्यों का आर्य लोगों का यहाँ पर जब आगमन हुआ तो इनको यहाँ से प्रतिस्थापन होना पड़ा. ठीक है, और उसके बाद ये घूम करके यहाँ आए झारखंड में. तो इसे पता, तो उस समय यहाँ पर झारखंड में असुर जनजाति रहते थे. ठीक है, असुर जनजाति. अब जब क्या होगा कि ये मुंडा जनजाति जब यहाँ पर आएंगे तो इन दोनों के बीच में युद्ध होगा और युद्ध होने के बाद जो होगा मुंडा जनजाति जीत जाएगी. ओके, और मुंडा जनजाति जीत जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इसने मुंडा अपना अधिपत्य स्थापित कर लेगी. ओके सो और भी अगर कुछ जाने मुंडा जनजाति के बारे में तो जो इसके भगवान बिरसा मुंडा जो कि बहुत ही फेमस है, जिनका जन्म खूंटी झारखंड के खूंटी जिला में हुआ था, उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया. ओके, और यानी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने नाम को इतिहास में दर्ज कराया था झारखंड के बिरसा मुंडा ने. ठीक है, तो ये उनका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और झारखंड के लोग उन्हें बहुत ही सम्मानजनक सम्मान देते हैं. ठीक है, तो ये झारखंड की विशेषता थी. ठीक है, झारखंड की हिस्ट्री थी, मुंडा जनता की हिस्ट्री थी. उसके बाद आता है हमारा नव वंश. ओके ठीक, सॉरी नाग वंश. ओके, आता है नाग वंश. तो इसकी दो बातें आप ध्यान में रखेंगे, दो बातें. पहला, ये टैक्स फ्री राज्य था और ये काफ़ी लंबे समय तक रहा टैक्स फ्री राज्य स्टेट. एंड दूसरा जो था वो ये था कि सबसे ज़्यादा नागवंश ने भारत पर शासन किया. ठीक है ना, सबसे मतलब सबसे लंबे समय तक शासन नागवंश ने किया. ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी 85 ईस्वी में. ठीक है ना, 85 ईस्वी में इसका स्थापना होता है नागवंश का और जो इसके पहले संस्थापक होते हैं उसका नाम होता है फनी मुकुट राय. ठीक है, फनी मुकुट राय होते हैं पहले इसके नागवंश के संस्थापक होते हैं, फनी मुकुट राय. ओके सो अब बात करते हैं ये टैक्स फ्री रहा कब से कब तक, यानी 85 से लेकर के ये टैक्स फ्री रहा कितना, 1585 तक. ठीक है, 1585 तक ये टैक्स फ्री रहा. उसके बाद यहाँ पर 85 में, ठीक है ना, 85 में जहांगीर का शासन होता है. ठीक है, जहांगीर का शासन होता है और उस समय ये झारखंड में बोलते हैं कि अब हमें टैक्स चाहिए, अनियमित टैक्स चाहिए, कर चाहिए. ठीक है ना, तो जब जो झारखंड के राजा होते हैं महाराजा
दुर्जन शाह, ठीक है ना, महाराजा दुर्जन शाह उस समय के राजा होते हैं झारखंड के, उन्होंने वो टैक्स देने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि महाराजा दुर्जन शाह को 12 साल के लिए, 12 या 12 साल के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है, ठीक है ना। फिर 12 साल के बाद जब उसे रिहा किया जाता है तो 6,000 के करार पर, यानी आप सालाना 6,000 रुपया देंगे, इस करार पर उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही उसे छोड़ा जाता है, जैसे ही क्या कहते हैं मुंडा सॉरी इसे जैसे ही हटाया जाता है, रिहा किया जाता है नागवंश के राजा को, वो अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी जगह, ठीक है ना। वर्तमान में जो गुड्डा है उसे नवरत्न के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर उनका वो अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भारत मुंडा और नागवंश का क्या हुआ, इतिहास हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, ठीक है ना, ट्राइबल स्टेट है। यहाँ पे लगभग 32 जनजाति वर्तमान में रहते हैं, ठीक है ना। जब ये राज्य का निर्माण हुआ था तब यहाँ पर 26 जनजाति रहते थे, बाद में इसे 6 जनजाति को जोड़ा गया। उनमें से ये प्रमुख जनजाति हैं जो है, सबसे पहले मुंडा, आप जानते हैं इसका इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा। उसके बाद संतार, उराव, खाड़िया और वोंग, ठीक है ना, वोंड, ये 5 जनजाति है और इनकी संख्या ही सबसे ज़्यादा है वहाँ झारखंड में, ओके। तो उसकी टोटल पॉपुलेशन जो है आप देख सकते हैं 86,45,000 and something है, ठीक है। और इसकी जो गांव में रहने वाली आबादी है वो सबसे ज़्यादा है, देख सकते हैं आप 92%, लगभग आप समझ सकते हैं इसका मतलब 7 to 7% ही पीपल्स अर्बन क्षेत्र पर रहते हैं, यानी इन्होंने अभी भी अपने आप को प्राकृतिक से अलग नहीं होने दिया है, ठीक है ना। किसने नहीं होने दिया, झारखंड के जनजातीय लोग, ठीक है ना, झारखंड के जनजाति अभी भी प्राकृतिक से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, ओके। सो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सोसाइटी के बारे में, ठीक है ना। सोसाइटी एक्चुअली हम मेंशन नहीं है, तो सोसाइटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सोसाइटी में बेसिकली हम लोग कुछ यू नो मैथ्स के अनुसार हम इसको जान पाएंगे कि कैसा यहाँ पर सामाजिक संस्थान है और सामाजिक स्थिति है। तो सबसे पहले अगर समाज को परखना है और जानना है तो सबसे पहले वहाँ की लिटरेसी रेट पर बात किया जाता है, तभी आप जान पाएंगे कि वो कितने सक्षम होंगे। तो झारखंड की जो लिटरेसी है 67.63% है, जिसमें से आप देखेंगे कि मेल यहाँ पर ज़्यादा है, मेल 78 एंड फीमेल 56, देख रहे हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल हैव बोथ ह्यूज डिफरेंस, अंडरस्टैंड। सो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा असमानताएँ हैं। तो अगर आप किसी भी समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी शिक्षा, जो बेसिक नीड्स होती है उसकी, उसको पूरा करना पड़ेगा। बेसिक नीड्स क्या हो जाता है हमारा, शिक्षा, स्वच्छता, है ना, उसके बाद आवास और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीज़ अगर आप अगर हमें कहीं पर भी हो इन सब चीज़ों की सुविधा है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के समाज सर्वसुलभ होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो मैं इस डाटा को झारखंड के वेबसाइट से निकाल के दिया हूँ। तो जो शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा पलामू जिला में रहती है, जहाँ पर इसकी आबादी 5 लाख है, 5 लाख 5.5 लाख के करीब है। और लोहरदग्गा आप जानते हैं, जहाँ पर इसकी जनसंख्या सबसे सबसे कम है, मात्र 15,000 लोग हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्स रेशियो, ठीक है ना। तो वेस्टर्न सिंह भूमि में इसकी 1,003 है और धनबाद में 909 है। एक्चुअली वेस्टर्न सिंह भूमि में होने का कारण ये है कि वहाँ पर महिलाओं को पूजा किया जाता है, ठीक है ना। वैसे भी अच्छी बात है, महिलाओं मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, बिकॉज यू नो द वोमेंस फेस मैनी टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, स्ट्रगल। सो या वी हैव टू रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दैम, या सो या यहाँ पर महिलाओं की पूजा की जाती है, ठीक है ना, वेस्टर्न सिंह भूमि में। उसके बाद धनबाद एक
ये एक काफ़ी डेवलप एरिया है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर इसका इतना सेक्स रेशियो कम क्यों है। इसके पीछे का रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं कि धनबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है और ये एक काफ़ी अच्छा शहर है, ठीक है ना। धनबाद का जो धनबाद कोल माइंस के नाम से काफ़ी काफ़ी पूरे विश्व में लगभग लगभग ये फेमस है, धनबाद कोल माइन के नाम से। ओके सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यस ओके दैट्स एंड, बस इतना ही था आज के मेरे इस वीडियो में। लेकिन मैं आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ जेपीएससी से रिलेटेड। जो भी बंदे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जेपीएससी फ्री टेस्ट सीरीज़ में लाने वाला हूँ। ओके मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में भी शायद आपको बता चुका हूँ कि जेपीएससी फ्री टेस्ट में लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे सहयोग करना होगा और मेरे साथ 100 मेंबर्स को जोड़ने होंगे, ठीक है। जैसे ही मेरे पास 100 मेंबर्स जुड़ जाएंगे, मैं आपको ये टेस्ट सीरीज़ फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज़ होगा वो एक एक्सपर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया होगा, ठीक है ना। जो जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर है जिसे मैं पढ़ता हूँ, उनके द्वारा ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया होगा और मैं वो आपको दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है, ठीक है, मैं पूरी दावा नहीं करता, मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो हो सकता है आपके जेपीएससी से टच हो। ओके डायरेक्ट डायरेक्ट जेपीएससी से आपको देखने के लिए मिल सकता है। ओके सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मुझसे जुड़ें और ये फ्री टेस्ट सीरीज का लाभ लें। ओके सो आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। मेरा नाम अर्श डॉट सहबाज, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अर्श सहबाज, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम आईडी दे चुका हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट एंड या और आप मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मेरा सहयोग करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। अच्छे से बने रहें और वीडियो देखते रहें।